पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को महासमुंद और मुंगेली के पथरिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,25,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही मोबाइल, कलर प्रिंटर, कंप्यूटर, सेट और कार बरामद की गई है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपियों ने तुमगांव थाना क्षेत्र के पीड़ित को रुपए दोगुना करने का झांसा देकर नकली नोटों को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया था। गिरोह ने 1,00,000 के असली नोट लेकर 2,00,000 के जाली नोट दिए थे और पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेखराज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लेखराज, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास है? जी, बताना चाहूंगा कि आज जो है नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3,25,000 के नकली नोट बरामद किया गया है, जिसमें 2,000 के 120 नोट है। आरोपी जो है लोरमी, पथरिया और पंडरिया के निवासी है। वही आज तुमगांव निवासी कुलवंत और यहाँ नकली नोट को लेकर असली नोट लेने आए थे। इससे पूछताछ में पता चला है कि आरोपी 1,00,000 के बदले जो है 2,00,000 रुपए के नकली नोट दे रहे थे, जिस पर कुलवंत कौर को शौक हुआ और सभी गिरोह को बातों में उलझाए रखा था और संबंधित जो है तुमगांव थाने को सूचित किया गया और सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के कार्यवाही किया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 5 नग मोबाइल, नकदी रकम 8,250 रुपए, 1 नग कलर प्रिंटर, 1 कंप्यूटर सेट और जो है बरामद हुआ है। सभी कीमत जो है 4,49,250 रुपए आकी गई है। बहुत शुक्रिया रेखराज तमाम जानकारी के लिए आपका। इंदौर में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए